Of course, आपकी तो थोड़ी थोड़ी शक्ल भी विकी से मिलती है. Nice, nice. अबे शक्ल ही नहीं, अकल भी मिलती है गधे. आपने मुझे गधा कहा? What a coincidence. विकी भी ना मुझे प्यार से गधा ही कहता है. अरे मैं हूँ विकी गधे, विकी विकी. मैंने कब कहा कि आप रिकी हैं? मिसाल के तौर पर मुझे ले लो, मेरा नाम है वेला. तो पता नहीं दुनिया के कितने माँ बाप ने मेरे नाम से इंस्पायर होकर अपने बच्चों का नाम वेला रख दिया होगा. इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे हे जिया, कहाँ जा रही हो? मैं विकी के कैबिन में जा रही हूँ. जिया जिया सुनो सुनो. और आप क्या उसे जिया जिया बोल रहे हैं? इनको जिया बुलाने का राइट सिर्फ मेरे पास है. आइए आइए जिया, चलिए आइए. जूजू ये क्या बोल रहे हो आप? मैं कभी नकली जादू नहीं करती, हमेशा असली जादू करके मैंने आपको असली मुसीबतों में डाला है. तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं नकली जादू करती हूँ? मुझे क्या जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था. हाँ हाँ, आपका क्या मतलब है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. अगर आप मुझसे ऐसे बात करेंगे ना तो जूजू मैं आपसे रूठ जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी. नहीं नहीं, मेरा वो मतलब भी नहीं था. दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि वो सोने के सिक्के और वो जो हीरे तुम लाई थी असली थे? आप असली हो? मतलब? अगर आप असली हो तो सोने के सिक्के और हीरे भी असली है ना? आइए आइए मिस्टर विकी, ये हैं विकी, और विकी ये हैं मिस्टर विकी. माँ कसम, ये कहाँ से आटप पर है? अब अगर मैं पकड़ा गया तो ये जादूगर लोग तो मुझे कबूतर या कौवा बना के उड़ा देंगे. दीदी आप मुझे जानते हैं? दीदी मैं विकी, तुम्हारा जूजू. क्या? हाँ हाँ दीदी, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये मेरा भैरोपिया है. और ये जो मैं ऐसे मोटा हो गया हूँ ना, वो आखिरी जादू विष थी ना मेरे पास, वो मैंने अनजाने में इस्तेमाल कर दी और गलती से मैं ऐसा हो गया. जीनी जल्दी से मुझे नॉर्मल कर दो, अपना जूजू बना दो. जीनी देखा देखा मिस्टर विकी, मैं ना कहता था आपसे कि आपकी शक्ल मिलती है हमारे विकी से, पहचान गया था ना मैं आपको. जीनू तू समझ गई ना? समझ गई दीदू, नकली जूजू. देखो मैं भोली हूँ, लेकिन इतनी भी भोली नहीं कि असली जूजू और नकली जूजू को ना पहचानूं. दोनों में फर्क पता चलता है मुझे. तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने असली जूजू को नहीं पहचानूंगी और तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे? वाह बेटा, नए नए तरीके ढूंढ रहे हो हमें पागल बनाने के लिए. तुम तो चाहते ही हो कि हम इस मोटे आदमी को विकी मान ले. नहीं जिया नहीं, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, मैं असली विकी हूँ. ये जो सामने खड़ा है ये नकली है. मैं तो पहले ही पहचान गया था भाई कि ये नकली विकी है. कितना इंटेलिजेंट हूं ना मैं. एक बात तो माननी पड़ेगी विकी, तुमने एकदम अपना सेम टू सेम डुप्लीकेट ढूंढा है, बस साइज में थोड़ा ज्यादा ही मार खा गए. चलो चलो ठीक है, मैं भी हार मान ही लेता हूँ तुम दोनों. तुम दोनों ने तो मेरे प्लान को चौपटी कर दिया. मुझे ऐसे लगा था कि मैं तुम दोनों को बेवकूफ बनाऊंगा, लेकिन तुम दोनों ने तो मुझे पकड़ ही लिया. पकड़ा नहीं गया, बहुत जल्द तू पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा और चक्की पीसेगा. जीनी जिया, तुम लोग मेरा यकीन मानो, इसकी बातों में मत जाओ, ये बेवकूफ बना रहा है तुम दोनों को. देखिए भाई साहब, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन क्या है ना कि ओवर एक्टिंग के एक्स्ट्रा पैसे मिलते नहीं. हाँ. और ये जो आप एक्टिंग कर रहे हो, इसका पर डे तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ. तो इसलिए वेला, इस इज्जतदार एक्टर को इज्जत से बाहर लेके जाए. आइए मिस्टर एक्टर, आइए. वेला तू तो मेरा दोस्त है यार, तू तो यकीन करके मैं विक्की हूँ. अरे जिया जीनी, यकीन मानो मैं विक्की हूँ, ये तुम दोनों को बेवकूफ बना रहा है. तुम यहाँ से जाते हो या तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए.
विकी, ये नकली विकी बहुत चालाक है। इस वक्त तेरा यहां से जाना ही सही रहेगा। अब चलना या दू एक। आइए आइए, जेंटलमैन को रास्ता दो, जेंटलमैन को रास्ता दो। चलिए चलिए। क्यों विक्की बेटा, प्लान फ्लॉप हो गया? भाई वो तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा मजाक कर रहा था। What is this यार? ये तीनों के तीनों तो मुझे पहचान ही नहीं रहे। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं विक्की हूँ? कौन है जो मुझे पहचानेगा? कौन है जो कहेगा हाँ ये भी? हाँ, उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। चतुर जी, वो मुझे पहचान लेंगे। चतुर जी, मैं अभी जाके राहुल से पूछता हूँ कि चतुर जी कहाँ है। यस। अब यार विकी, मैं क्या बोल रहा था कि अबे सुनना, कहाँ जा रहा, तेरे से बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा था कि तू अपने वो जादू वाले वेश मांग क्यों नहीं लेता, ताकि ये झंझट ही खत्म हो जाए। वैसे मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मांगना है तो ताली बजाकर वो विश मुझे ट्रांसफर कर दे, मैं मांग लूंगा। अरे भाई, मैं तो मांगने में एक्सपर्ट हूं। है? दे, दे, ताली दे। दे, 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 दे। क्यों नहीं यार? हाँ बेलो। अच्छा, अगर तुम्हें कोई ऐसी जादुई विश मिल जाए तो तुम क्या मांगोगे? मैं क्या मांगूंगा, सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं मांगूंगा कि मैं तुम्हें लेकर एक रोमांटिक सी, नहीं नहीं, महा रोमांटिक सी डेट पर समुद्र के किनारे जाऊं, जहां लहरों की आवाज के साथ साथ एक रोमांटिक सा, नहीं नहीं, महा रोमांटिक सा म्यूजिक बज रहा हो बैकग्राउंड में, और मैं शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और तुम काजोल की तरह तेजी से हवा को चीरती हुई स्लो मोशन में मेरी तरफ चली आ रही हो। वाओ, समंदर की लहरें, लेकिन ये लहरें शेर की दहाड़ जैसी आवाज क्यों निकाल रही? Why? अरे बाप रे, जंगल, शेर, बचाओ 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 बचाओ। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे जी हाँ, अरे बाप रे, यहाँ से भी शेर, वहां से भी शेर। जिया जिया बचाओ, जिया सेव मी प्लीज। दीदू, बेचारे वीरू को कहाँ भेज दिया? अरे जीनू, वही जहाँ वो जाना चाहता था। मैंने तो बस उसकी विश पूरी की है, अभी वो जंगल के बीचों बीच शाहरुख खान की तरह से खड़ा होगा। बस काजोल की जगह एक खूंखार शेरनी उसकी तरफ बढ़ रही होगी। अच्छा मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय बाय। बाबा रे बाबा, माँ कसम, अगर मेरी असलियत पता चल जाती तो ये लोग मुझे कहाँ भेजते। अच्छा हुआ जो मैं बच गया, लेकिन बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? इससे पहले कि बटले तेरी पत्ते खुल जाए, तू भी अपना गेम बजा डाल और यहाँ से कटले वटले निकल ले। क्या हो गया आप दोनों को? क्या हो गया आपको? एक मिनट, खुल दो, खुल दो। चतुर जी, किसने किया आपका ये हाल? जिया ने, जीनी ने, जीनू ने? थैंक यू दादा, अगर आप ना आते तो आप क्यों आते? कौन है आप? मुझे पहचाने नहीं आपने? मैं विक्की हूँ, विक्की। What are you talking? ना 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 ना, did you Patso? Correct, Patso, Patso.
शरीर मेरा नहीं है लेकिन अंदर विक्की है। विक्की, ये कैसे हो सकते हैं? चतुर जी, व्हाट इज दिस? अरे कम से कम आप तो मुझे पहचानिए। केनो? केनो? आप चतुर जी हैं? हाँ तो? आपके पास दिमाग है चतुर जी? आप गोस्टबस्टर हो? गोस्टबस्टर? हाँ वो तो है। तो आप मुझे कैसे नहीं पहचान सकते? जरा सोचिए, अगर मैं विक्की नहीं होता तो मुझे कैसे पता होता कि आप चतुर जी हैं? आपके पास दिमाग भी है, आपकी एक बीवी है जो बहुत खूबसूरत है, जिसका नाम दुर्गा है, जिसे आप दुग्गा दुग्गा कहते रहते हो, और ये आपका ट्रेडमार्क है चतुर जी। अरे ये तो सारा सीक्रेट जानता है। हाँ, और राहुल, गंगा घाट की कसम, आप ना देखते हैं दाय, ना देखते हैं बाय, बिकॉज़ आई एम अ देसी बॉय, व्हिच माय फेवरेट लाइन। अरे तो लाइन पे आओ ना, यकीन करोगे मैं ही असली विक्की हूँ। जिसे आपने देखा ना वो असली विक्की नहीं है, असली विक्की मैं हूँ। मैं एक्सक्लूजिंग ऑन मी यू बिग फैक्सो लायर। हमें भी पता है कि एक असली और एक नकली है, क्योंकि हमने खुद विथ मी आज हमने देखा है। विक्की सर दो दो सेम टू सेम घर से जाते हुए, और वो आपकी तरह नहीं दिखते फैक्सो। देखिए प्लीज प्लीज, आप दोनों यकीन कीजिए मैं ही असली विक्की हूँ। अरे मैंने ही अपने हाथों से अपना ये हाल किया है। अपने हाथों से अपना हाल किया है माने की? माने आज आप फाइनली द ग्रेट गोस्टबस्टर चतुर गांगुली के सामने ये बात मान रहे हैं कि आप पेट भूत हैं। चतुर जी, ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप दोनों चलिए जिया और जीनी के सामने ये बोलिए कि आपने दो दो विक्की को देखा है। नहीं, थैंक यू वेरी मच, हम यही यकीन दिलाने के लिए उन दोनों के पास गए थे, तभी हमारे ए हाल हो गए थे। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर सुन लीजिए। चतुर जी, आगे एक बात बताइए। बोलो। क्या एक गोल मटोल पड़ोसी दूसरे गोल मटोल पड़ोसी के काम नहीं आता? Point. क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए? हाँ, मैंने हमेशा आपको इज्जत दी, हमेशा अपना बड़ा भाई समझा, और बदले में आपने मुझे क्या दिया? क्या दिया मुझे आपने? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया चतुर जी। राहुल, मुझे अपना गुरु कहते हो ना, बहुत अच्छी गुरु दक्षिणा दी है तुमने मुझे। जब मदद करने का वक्त आया तो अपने हाथ ऊपर कर लिए, और आपने भी बस अच्छा पड़ोसी का फर्ज निभाया आपने। हे भगवान, ऐसे पड़ोसी देने से तो अच्छा मुझे उठा लेता। ऐ नहीं भगवान, टाइम प्लीज, इनको नहीं उठाना। व्यक्ति दादा, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ी देर के लिए मैं अपना पड़ोसी धर्म भूल गए थे मेरी, लेकिन अब हम आपके साथ अच्छी। हम भी अपना शिष्य धर्म भूल गए थे गुरुजी, लेकिन me is not forgetting on you, but now me is helping on you always and forever, क्योंकि हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, as because हम देसी बाएं, bye bye, but I am देसी बाएं, await me coming. राजा बड़ा, जितनी जल्दी हो सके और जितना माल ज्यादा हो सके इस लड़की से तू लपेट ले, और यहाँ से कट ले वट ले निकल ले, चल। जन्नी, जन्नी, जूजू, आपको क्या हो गया? मैं अपने जूजू की जीनी हूँ, आप मेरा नाम भी भूल गए। जन्नी, हाँ, जन्नी, हाँ, जीनी, हाँ, जन्नी, हाँ। फिलहाल दुनिया नहीं, हाँ, हम कोई ऐसी जगह चले जहाँ सिर्फ तुम और मैं, मतलब और कोई ना हो, और हम बातें कर सके। क्या? हाँ। दोबारा कहो। फिर से। कोई ऐसी जगह चले जहाँ सिर्फ तुम और मैं और कोई ना हो और हम बातें कर सके। जीनी, तेरी तो लॉटरी लग गई। क्या हुआ? क्या जूजू, मुझे शर्म आ रही है, आप भी ना, आपने ऐसी बात कह दी कि मुझे शर्म आ गई। जूजू पता है आपने ऐसा पहले मुझसे कभी नहीं पूछा। क्या आपको मेरे साथ? जूजू वहाँ का देख रहे हो, यहाँ देखो ना, अगर आप कहो तो मैं आपको इस दुनिया के आखिरी छोर पे ले जाऊं, वहाँ पे हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा,
सिर्फ आप और मैं और बिना घर चलते, उधर भी कोई नहीं होगा। घर चलते उधर भी कोई नहीं होगा। बड़ी जल्दी है आपको, ठीक है चलो। कोई किधर है? कोई भी नहीं है। तुम क्या हमारा नकल करता है? यू नॉट माइंड, हम तो सिर्फ आपकी कॉपी कर रहे थे। व्हाट नॉनसेंस, अजय किधर है? कोई नहीं है। अरे वो नहीं है, लेकिन उसका ब्रीफकेस तो है। तो ये देखो, सेम टू सेम ब्रीफकेस। जरा देखते उसमें है क्या। क्या है? अरे की कोचटर की मैं क्या आगे आता है, रुको तो सही। इतना सारा सोना, ये तो दुग्गा के लिए है। लेकिन फ्रॉम वेयर दिस गोल्ड इज कम? चोरी से, लूट से। वो ना हो मेरे हमशक्ल ने कहीं पे डाका था। अरे हाँ, आज ही तो मैंने सुबह अखबार में पढ़ा था कि कल रात को कहीं पे लाखों की ज्वेलरी की चोरी हुई है। बुरी बाबा, इसका मतलब वो जो चोर है तुम्हारा ही वंस मोर है। चतुर जी आगे, ये सस्ती तुकबंदी बंद करो। सॉरी। और चलो चल के चोर का पर्दाफाश करते हैं। किंतु कैसे? सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी जल्दी मैं सोने से भरा ब्रीफकेस तुम्हें वहीं ऑफिस में बुलाया, लेकिन कोई बात नहीं, ये लड़की उस खजाने से बहुत बड़ा खजाना मुझे लाके देगी, एकदम छास। क्या हुआ जूजू? आप मुझे देख के ऐसे ही स्माइल करते रहोगे? कुछ खाओ भी, आपको मुझसे अकेले में क्या बात करनी थी बताइए ना जूजू, क्योंकि मेरे धड़कते दिल की भड़कती धड़कने ये सस्पेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मैं ये सोच रहा था जनी। जनी? सच जनी? जूजू मैं समझती हूँ कि मौसम की वजह से आपका गला खराब है, पर ये आपकी भाषा को क्या हो गया जनी? वो दोनों कॉर्ड जो है ना वो आजू बाजू है, तो मिक्सर खराब हो गया इसलिए। तो मैं ये कह रहा था जनी। कोई बात नहीं, चालू रखो, आप मुझे जो बुलाना चाहते हैं बुलाइए। हाँ तो सुनो ना। हाँ। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे पास वो जादुई शक्ति है जिससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकती हो, है ना? तो क्यों ना वो सोना हम गरीब बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, बुजुर्गों की सहायता के लिए इस्तेमाल करें। तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या गलत बोला? गलत नहीं जूजू, आपने तो एकदम सही बात की। ये बात तो मैं आपको पहले कितने बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप हो के हमेशा मुझे एक ही चीज कहते हो कि जीनी तुम्हारे जादू से आई हुई चीजें मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो आज अचानक क्या हो गया आपको? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.